शागिल यार क्या हुआ शागिल रो क्यों रहे हो मर गया क्या पर यार तू तो जिंदा खड़ा है बस समझो तुम्हारे सामने एक लाश खड़ी है मैं कैसे समझ लूं यार तुम तो अच्छी खासी बातें कर रहे हो बस यार मुर्दा जिस्म को घसीट रहा हूँ यार तुम्हें फॉलेज का अटैक तो नहीं हो गया तू भाई समझ तू नहीं रहा मैं क्या नहीं समझ रहा यार यार घर वालों ने मुझे निकाल दिया है निकाल दिए कहाँ से निकाला है गटर में तो नहीं गिर गए थे यार घर से निकाला है यार तुम्हारे घर में कौन सा गटर है तुम खुद ही हो यार अब्बू ने मुझे जायदाद से आग कर दिया है शागिल लेकिन क्यों यार एक लड़की का बेड़ा गर्क हुआ ओहो हाँ एक समुद्री तूफान आया तो था यार महावरा तंग कह रहा हूँ एक लड़की मेरे जड़ों में बैठ गई है यार वो कैसे यार उसने मेरी फेसबुक पे जाली तस्वीर लगा दी अपनी अबे दोनों की तो यार इसमें कौन सी बुरी बात है फेसबुक पे तो आजकल लड़के लड़कियों की तस्वीरें इकट्ठे लगना ये तो आम बात है अबे यार शादी की तस्वीर लगा दी तुम्हारी शादी हो गई अबे यार जाली तस्वीर लगा दी यार आमतौर पर यही हरकत लड़के करते हैं ज्यादा बस यार तुम्हारे पास आया हूँ शागिल तुम मेरे कजन हो ये तुम्हारा अपना घर है घर वालों को ना पता चले कि मैं यहाँ हूँ बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा ओहो शागिर तुम अंदर आओ इससे पहले तुम गलत हाथों में इस्तेमाल हो जाओ जल्दी करो मलाइका ये है मेरा कजन शागिल हाँ अस्सलाम वालेकुम जी इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा पहले माशाल्लाह इसका भी नहीं था अब बड़ा हुआ है ये मेरे उसी मामू का बेटा जिनसे हमारा मेल जोल बंद है बताया था ना तो ये यहाँ क्यों आए मुसीबत में है कौन मामू नहीं ये क्यों बस एक लड़की ने बहुत जुल्म किया इस बेचारे पर क्या बकवास कर रहे हो तुम हारिस लड़की वाला कैसे जुल्म कर सकती है तो क्यों नहीं लड़कियां भी बहुत बहुत जुल्म करती हैं जी नहीं जुल्म मर्द करता है औरत नहीं करती हाँ तो क्या औरतें नहीं करती नहीं मर्दों से कम ही करती होंगी कम नहीं अच्छा खासा ज्यादा करती हैं कितनी आसानी से तुम दुनिया भर के मर्द जो हो ना अपने आप को मासूम बना के किनारा कशी कर लेते हो तो और क्या हमारी मासूमियत से तुम लोग औरतें जो है वो फायदा उठाती हो ना हारिस इट्स इनफ ओहो तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो यार मैं वापस चला जाता हूँ नहीं यार शागिल अब ये जो घर है ये मजलूम मर्दों की पनाहगाह बनेगा हाँ हाँ एक काम करो पूरी दुनिया के जो मजलूम मर्द है ना उन सबको इकट्ठा कर लो यहाँ पे गेस्ट हाउस बना लो इसको हाँ बिल्कुल बल्कि मैं तो घर के बाहर ये भी लिखवा दूंगा कि मजलूम मर्दों का आश्रम आश्रम नहीं बल्कि बेशरम बेहया मैं जानता हूँ यार मेरी वजह से तुम्हारा घर भी खराब हो रहा है हरगिज नहीं यार बिल्कुल नहीं ये कौन आ गया इस वक्त मैं देखता हूँ जाके एक मिनट चुपचाप ना थी खल जल के मैं खुद देख सके कौन आया और कौन नहीं आया पागल ना पुत्र अगाओ यार भाभी तो बहुत गुस्से वाली है हाँ यार लेकिन प्यार भी मुझे उतना ही करती है डोंट वरी अभी नॉर्मल हो जाएगी नहीं तो हफ्ते में 7 दिन तो है ना अरे निर्मल तुम मैं मलाइका क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो मलाइका मैं बर्बाद हो गई भाई अल्लाह खुदा ना खास्ता रजिया गुल्लू भी फंस गई ये बात नहीं है फिर अरे किसी ने मेरी शादी की तस्वीर लगा दी है तुम्हारी शादी हो गई नहीं तो ओ गॉड तो फिर तस्वीर कैसे लगा दी अरे मेरी बहन फोटोशॉप में बना के निर्मल तुम फोटोशॉप करने क्या गई थी अरे फोटोशॉप में बदल के अच्छा वहाँ कौन था जिसने तस्वीर बदल दी अरे वो जो कंप्यूटर होता है ना उसमें जो फोटोशॉप होता है ना उसमें रियली कंप्यूटर में भी फोटोशॉप होती है बेवकूफ वो एक प्रोग्राम होता है जिसमें किसी की भी तस्वीर को बदला जा सकता है ओके यार मैं इतनी सैवी नहीं हूँ ना मुझे इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है मेरे भाई भी यही कहते हैं कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ ज्यादा अब मैं क्या करूँ मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है हाय मेरी प्यारी बहन क्यों वो ये कहते हैं कि तुमने ना हमारी इजाजत के बगैर शादी कर ली है नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो मैं उनसे बात करूंगी कोई फायदा नहीं है व्हाई उन्होंने मुझे कहा है कि दोबारा अगर इधर का मुंह भी किया ना तो तुम्हें हम जान से मार देंगे किसका मुंह उधर किया अरे अपना मुंह और किसका ओहो यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँ कौन मिल जाए जिसने मेरी तस्वीर लगाई है अच्छा फिलहाल तो तुम अंदर आओ थैंक यू सो मच आखिर बुरे वक्त में कजन ही काम आते हैं अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा चलो मेरी अंदर आओ अब्बा ने पिस्तौल निकाल लिए किसकी अपनी मैं समझे शायद किसी की चोरी की हो और कहा घर आया तो गोली मार दूंगा किसे अरे मुझे और किसे हाँ तो फिर वो लड़की कहाँ है कौन सी जिसके साथ तुम्हारी वड्डी वड्डी फोटो है वो किसी और के साथ तस्वीरें बनवा रही होगी यानी वो एक और शादी कर रही है ये शादी की तस्वीर नहीं होती तुम तो कह रहे थे कि वो शादी की तस्वीर है असली शादी नहीं होती तो क्या वो नकली शादी कर रही है तो तुम्हें नहीं पता क्या कि ये शादी कैसे होती है
तस्वीर कैसे बनती है? हाँ, मोबाइल फोन से बनती है, और कैसे बनती है, कौन नहीं जानता। ये फ्रॉड तस्वीरें जो होती है ये कंप्यूटर से बनती है। यार तुम कितने खुश नसीब हो, दो शादियां और दोनों कामयाब, मेरी हुई भी नहीं और हंगामा हो गया। तुम्हें कोई जरूरत नहीं ना फिक्र करने की, हम तुम्हारे साथ है। क्यों यार, तुम्हारी ये बीवी ना बहुत अच्छी है। है ना? नहीं यार, वैसे वो दूसरी वाली बीवी ना जो मेरी, वो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, जल गए ना, मेरी तारीफ तो सुन ही नहीं सकते, वो तो बड़ी चहेती है इसकी। नीलम तुम भी मेरी उतनी ही चहेती हो। हाँ मुझे दिख रहा है मैं कितनी चहेती हूँ। नीलम आज हफ्ता है, तुम्हें पता है हफ्ता? यार मैं चलता हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी दूसरी बीवी से भी लड़ाई हो गई। यार मेरे साथ यूँ डॉगी डॉगी होना तो बस रोज की मामूल की बात है, तुम फिक्र ना करो यार। यार वैसे वो दूसरी भाभी कहाँ है? हाँ यार कहाँ है, मैं देख कर आता हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता? अरे यार रोज होता है। क्या मतलब ये कि रोज कोई तुम्हारी फेक पिक्चर फेसबुक पे लगा देता है? ओ, ओ अच्छा, तुम तस्वीर की बात कर रही थी। हाँ और क्या। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं। मेरे साथ देखो ना कैसा जुल्म हुआ है। देखो निर्मल रोना बंद करो, पुलिस में जाएंगे रिपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइबर क्राइम है और इसकी सजा होती है। वाकई? जी हाँ, अब कोई किसी की इजाजत के बगैर गलत तस्वीर उल्टी सीधी नहीं लगा सकता। और सजा कितनी हो सकती है उसकी? भाई अगर लड़की माफ ना करे तो चंद साल, और अगर माफ कर दे तो उम्र भर की कैद। माफ करने पे उम्र कैद क्यों? अरे उस लड़के से लड़की की शादी हो जाती है। ये कौन? हारिस, ये ना मेरी कजन है निर्मल। इतनी प्यारी गॉथिक गर्ल मैंने पहले नहीं कभी देखा। आई नो, ये उस फूफा की बेटी है ना जिनसे हम लोगों का मेल जोल ज्यादा होता नहीं है। अच्छा, इधर मामू इधर फूफो, क्या बात है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे आपको मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं हारिस, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेचारी ना बहुत परेशान है। ओ, आप भी शादीशुदा है? हारिस कभी संजीदा भी हो जाया करो यार। शादीशुदा औरतों के लिए? हारिस हद हो गई है भाई। ये हद है? I'm sorry. No, it's okay. कोई बात नहीं। क्या हुआ? धोखा हुआ है। देखा, बात फिर निकली ना शादी की। हारिस, would you mind leaving the room? ये already परेशान है। Please जाओ यहाँ से। I'm sorry, निर्मल, please परेशान मत हो। हारिस, go. निर्मल, देखो तुम चुप कर जाओ, हम आज ही जाएंगे मेरी बहन और जाके ना पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। मेरी बहन, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अगर वो मुझे मिल जाए ना मैं उसे शूट कर दूं। कर दी ना मेरी कजन की जिंदगी तबाह, तुम मर्द लोग होते ही ऐसे हो। औरतें भी कुछ कम नहीं करती। क्यों, औरतों ने क्या किया है? पूछो मेरे कजन से, उस बेचारे को घर से बेघर करवा दिया। तो उसमें मेरी कजन का क्या कसूर है ये तो बताओ जरा। है तो वो भी लड़की ना। तो यार उसकी जिंदगी तबाह नहीं हुई तो मेरे कजन ने की है। है तो वो लड़का ही ना। तुम तो जानवर बदतमीज। क्या हुआ? यही तो है वो लड़की। कौन लड़की यार? जिसने शादी की तस्वीर मेरे फेसबुक पर डाली है। अच्छा, फेसबुक तुम्हारा है या मेरा? तस्वीर तुम्हारी है मेरी? दोनों की। वो मेरी तस्वीर नहीं है। मेरी भी नहीं है। अरे भाई तो फिर किसकी तस्वीर है? इससे पूछे ना, इसने पता नहीं किसकी तस्वीर पे मेरा चेहरा लगा दिया। मैंने या तुमने किया है? ओह यू शराब, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी। देखा अपनी कजन के कारनामे? और तुम अपनी कजन के कारनामे देख रही हो? ये तो बहुत मासूम है। हाँ तो मेरा कजन कौन सा जग्गा डाकू है? आज भी इसके हाथ में लतीरे, इसके हाथ में वैसी सलामत है। ओहो, तुम तो लड़ना बंद करो। सुनो, ये ना अब इस घर में नहीं रह सकता, बस प्लीज इसको निकालो यहाँ से। मेरा कजन यहीं पर रहेगा, तुम इसे बाहर निकालो। ए इतने ही रहसी, देख रही हमें तू किंजू रोकने। चलो चलो यार, मैं देखता हूँ, तुम यहाँ पे बैठो। हाँ जी, मोहल्ले में पुलिस फिर रही है। तो तुम पनाह लेने आए हो? नहीं। तो फिर घरों की तलाशी ले रही है। क्यों? एक लड़का और एक लड़की नहीं मिल रहे हैं। तो अरे उनका ख्याल है वो दोनों इसी मोहल्ले में हैं। अच्छा, तो हमारे घर तो नहीं आए अभी? लड़का लड़की? पुलिस वाले भाई। तो भेज देता हूँ। इंतहाई सादा इंसान, इस पुलिस को टाल। मैं खुद पुलिस से डर रहा हूँ भाई। क्यों? उनको शक है लड़की का मेरे साथ चक्कर था। अच्छा लो, ये तो फिर बहुत ही गई गुजरी पुलिस है, मैं खाम खा डर गया। क्यों, यकीन नहीं होता क्या कि पुलिस गई गुजरी है? कि लड़की का मेरे साथ चक्कर है। नहीं मेरी जान, अनहोनी तो कहीं भी हो सकती है। वैसे सात आठ लड़कियों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। ओ भाई, यहाँ घर में बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है, तू अभी जा भाई जा। तुम्हें एक आध का व्हाट्सएप मैसेज दिखा दूं? ओ जाओ भाई जाओ। अरे मेरी बात तो भाई जाओ, आपकी मेहरबानी यार, खट्टी चीजें खाना बंद कर दो, अब बड़े हो गए हो, जाओ यार, हद हो गई। तुम अभी तक यहीं पे हो? और तुम तो जैसे चली गई हो। अगर तुम्हें जरा से भी शर्म होती ना तो तुम यहाँ ना होते। और तुम भी अब तक दूसरे शहर में होती।
क्या करें, कुछ बताओ तो सही। यार मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा भी था तुमसे कि अभी शादी रहने देते हैं। मेरे घर वाले मेरी मंगनी कर रहे थे। तो अब मुझे ये बताओ कि कब तक यहाँ रहेंगे हम। जाहिर है जब तक घर वालों का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि ये हम दोनों के कजन्स का घर है। यार हमारी वजह से इनकी खामखा लड़ाई हो रही है। अब मजबूरी है ना, क्या करें, असलियत तो नहीं बता सकते ना अभी। यार तुम्हारी कजन तो बड़ी गुस्से वाली है। खबरदार अगर मुझे आइंदा अपनी शक्ल दिखाई तो। ये मेरी कजन का घर है। तो मेरे दुश्मन का है। बात सुनो, तमीज से, तहजीब से बात करो। इसको भी तमीज सिखाएं। खबरदार जो तुमने मेरी कजन से बदतमीजी करने की कोशिश भी की हो तो। तुम तो चुप करो यार, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। निर्भय थप्पड़ मारो इसके मुंह पे। हाँ, अभी अभी फौरन इसके मुंह पे चपेट मारो। नहीं वो मैं ना। क्या मैं नहीं, ये वो मारो ना। जो भी क्या थप्पड़ खा के जाओगे देख लूंगा तुमको। कितना बदतमीज है ये लड़का, तुम इसका मुंह देखती रह गई। पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था। बदतमीज ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखते बल्कि थप्पड़ लगाते हैं। सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं थप्पड़ ही लगाऊंगी। गुड। क्या मलाइका ने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारने का बोल दिया? लेकिन मारा तो नहीं। मारा तो नहीं, देखो अपनी बीवी की जरूरत। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का मसला है। दोनों का मतलब मेरा और मेरी बीवी का। बीवी का? मेरा मतलब है जाली बीवी का। देखो शाहिल, इस वक्त तुम मेरे घर पर हो, लिहाजा तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। हालांकि हारे से कोई नई बात तो नहीं है नीलम। अब मेरा मतलब है हारे से घर में बेइज्जती और इज्जत तो होती रहती है ना। यार आप इस बात को यही खत्म कर दे बस। नहीं शाहिल, अब बात यहाँ तक नहीं रहेगी। हाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। अब इस घर में या वो लड़की रहेगी या फिर तुम। ये ना करना भाई, बड़ा घपला हो जाएगा। शागिल अब चाहे आसमान ढल जाए, मेरा फैसला अटल है। इन्हें समझाइए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मामला समझाने से भी ऊपर चला गया भाई। मैं उन्हें माफ करता हूँ बस। लेकिन हम नहीं करेंगे शागिल, तुम्हारे इसी मुंह की कसम हम उसे माफ नहीं करेंगे। हाँ तो फिर चलो अंदर चल के पूछते मलाइका से। चलो चलो। अबे यार ये मुझसे क्या हो गया। निर्मल निर्मल देखा तुझे, कहाँ है वो लड़की? क्या तुम फिर किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए? नहीं मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। अरे कौन सी लड़की? जिसको तुमने कहा था कि उसके मुंह पे थप्पड़ मारूंगी वो। अरे भाई मैं इसे थप्पड़ मारने का क्यों कहूंगी? इसकी नहीं उसके। वो शाविन, वो तो एक नंबर का बदमाश है। मेरे कजन के बारे में देखो एक लफ्ज भी ऐसा मत कहना। क्यों ना कहूँ बच्चू, उसने एक मासूम लड़की को ना घर से निकलवाया है। और तुमने कह दिया कि उसके मुंह पे थप्पड़ ही मार दो। ओ अच्छा, तो तुम उस थप्पड़ की बात कर रहे हो। और किस थप्पड़ की बात कर रहे हैं हम? अरे यार वो तो बुजदिल है। मेरा कजन? जी नहीं मेरी कजन, मैं होती ना तो रख के एक लगाती उसे। देखा आरस कैसे बोल रही कि मैं होती ना तो रात के थप्पड़ मारती। ओ भाई आग लगाने की मशीन, चुप करके बैठ। इसका नहीं कह रही मैं। हाँ तो और क्या, मोहल्ले वालों को थप्पड़ मारती। अब मैं एक मिनट भी उस लड़की को यहाँ पे देखना नहीं चाहता। वो लड़की ना यही रहेगी, मैं देखती हूँ तुम लोग उसे कैसे निकालते हो यहाँ से। मलाइका मुझे वो लड़की नहीं चाहिए। What do you mean, नहीं चाहिए? मतलब इस घर में नहीं चाहिए। वो यही रहेगी बस। ठीक है तो फिर मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊंगा। एज इफ आई केयर, शौक से जाओ। क्या जरूरत थी उनको बताने की? मेरा दिमाग खराब हो गया था। अगर हम यहाँ ना रह सके तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तुम मलाइका को कूल डाउन करने की कोशिश तो करो। अच्छा आग तुम लगाओ और कूल डाउन मैं करूँ खुद को? और इसकी दूसरी बीवी को तो देखो। उसमें देखने वाली कौन सी चीज है भाई? वो और उसको बढ़ावा दे रही है। सौतन है वो तो ऐसा करेगी। यार अजीब मुसीबत में फंस गए। अभी बाहर गए ना तो घर वाले मुझे जान से मार देंगे। यार तुम तो चुप करो। ये सहारा था इसका भी बेड़ा गरक कर दिया तुमने। रो मत यार, आई एम सॉरी। ये कोई सॉरी वाली बात है क्या? कुछ करते हैं, तुम तो चुप करो। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? दफा हो जाओ। मेरे साथ तमीज से बात करो। सुनो तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं होते? ये मेरे कजन का घर है। तो ठीक है फिर मैं ही चली जाती हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, ये ना करना। ये कोई अच्छी बात नहीं। हम आपको नहीं जाने देंगे। गॉड वैसे मुझे तो तुम दोनों नॉर्मल लग ही नहीं रहे हो। नहीं नहीं वो तो आपके जाने का सुन के हुए हैं। वैसे हम अब नॉर्मल ही है। मेरा फैसला ना अटल है, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं रोको यार, मुंह क्या देख रहे हो? हाँ यार वाकई मैं तुम्हारा मुंह क्यों देख रहा हूँ? मलाइका मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं। जाओ। बात सुनो, वापस नहीं आने वाली मैं। अब जा भी ना, खड़ी क्यों दरवाजा हो रहा? हारिस मैं चली जाऊंगी। कह दो नहीं यार, सोच क्या रहे हो? अरे जाना वाना नहीं है, इसने ऐवी ड्रामे कर रही है। क्या ये सब ड्रामा है? अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। शागिल जी ने रोको, इन्हें दूसरे के घर के दरवाजे तक छोड़ के आओ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और सुनो वापस मत आना घर में। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। अबे क्या कर रहा है यार इसको? रोक, तू क्या कर रहा है यार? जाने दो उसे, जाओ। तेनू क्यों है?
ये जो हुआ है ना ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ है। तो बन गई जलेबी, जलेबी। चले तो यार, हम दोनों ने बहुत एक दूसरे के लिए। खबरदार उसको बुलाया वापस तो। कफा जाने दो, अब हमारे पास 7 दिन है पूरे हफ्ते के। पड़ गई ठंड तुम्हारे सीने में। मैंने क्या किया है? एक घर को तबाह कर दिया तुमने। तो तुम भी तो उसमें शामिल हो। तो क्या मैंने हारिस को मलाइका के खिलाफ कुछ कहा था? तो मैंने क्या कहा? यही कि थप्पड़ मारने का बोला है मलाइका ने। तो उसने नहीं कहा था? तो तुम्हें शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? सॉरी किया है ना तुमसे। तो तुम्हारे सॉरी करने से क्या वो रुक गई? मैंने उसे जाने को नहीं कहा। शागिर, ऐसे शख्स के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। कौन ऐसे? तुम्हारे जैसे। मतलब? मैं भी जा रही हूँ। क्या यार, तुम्हारा दिमाग तो सही है। सही है, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ये मेरी गलती थी जो तुमसे शादी की। तुम्हारी नहीं, ये मेरी गलती थी। तो खत्म कर देते हैं। अभी के अभी इसी वक्त छोड़ दो मुझे। मैंने कहा पकड़ा हुआ, जाओ। जा रही हूँ। सुनो, तुम किधर जा रही हो? मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। क्या मतलब? मैं इस घर में इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। अच्छा, तो किसी और के साथ रह लूंगी। अरे तुम्हें नहीं पता, ये एक पागल शख्स है। तो तुम क्यों हो? आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो भाई। इसे क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ उलट पुलट हो गया है। उलट पुलट? तुम कब जा रहे हो? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? तो फिर घर में कौन रहेगा? तुम्हें इसकी फिक्र क्यों है? इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को कसूरवार समझ रही हूँ। किस बात का? मलाइका के जाने का। नाम ना लो उसका मेरे सामने। अरे वो तुम्हारी बीवी है। थी। क्यों? क्या तुमने तलाक दे दी? इसी काम के लिए तो जा रहा हूँ। क्या मतलब? अपने फैमिली लॉयर से बात करूंगा। कौन सी बात? तलाक की। अरे उससे क्यों तलाक दोगे? उससे नहीं दूंगा, मलाइका को तलाक देने के लिए उससे मशवरा करूंगा। हाँ, जब दूसरी बीवी है तो एक को छोड़ भी दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? नहीं नहीं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, मुझे 2 शादियों की आदत हो गई है। मतलब? मैं फिर दूसरी शादी करूंगा। दूसरी नहीं, तीसरी। हाँ वही तीसरी। किससे करेंगे? निर्मल, मुझे वैसे तुम बहुत अच्छी लगी हो। क्या? हाँ तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन मेरी शादी तो जानता हूँ कि वो जाली थी, लेकिन ये जो हमारी शादी हुई ये असली होगी। हाँ? शागिल, शागिल, ये शागिल के पास क्यों जा रही बार बार? का स्मार्ट स्मार्ट शागिल। शागिल, शागिल। क्या हुआ? शागिल, खुदा के लिए मुझे बचा लो इस शादी से। तुम किसकी शादी पे जा रही हो? अपनी शादी पे। हैं? अपनी शादी पे? तो क्या तुमने मुझे बाकी छोड़ने का फैसला कर लिया? मैंने? हारिस ने किया है। हारिस तुम्हें क्यों छोड़ेगा? ओफो, मलाइका को छोड़ने का फैसला कर लिया है। तुमने? हारिस ने। तुम्हारी शादी कहाँ से आ गई बीच में? वो मुझसे शादी करना चाहता है। यार ये कैसे हो सकता है? तुम उसे रोको। कहीं जा रहा है? अरे मुझसे शादी करने से। उसे बताओ हम दोनों की शादी हो चुकी है, वो मुझे कत्ल कर देगा, हमने उसका घर खराब कर दिया है। लेकिन मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, इन्हें बताओ। कमीना, इतना बड़ा प्लॉट। हारिस, खड़े क्या? मारो ने।